हिमाचल के कुल्लू मनाली का बिजली महादेव का मंदिर, जो पार्वती और व्यास के संगम पर तकरीबन 8,000 फीट की हाइट पर बना है। कहते हैं हर 12 साल के बाद इस मंदिर के अंदर शिवलिंग पर आसमानी बिजली गिरती है, जिससे मंदिर का शिवलिंग टुकड़े टुकड़े हो जाता है। इसी वजह से इसे मक्खन से जोड़ा जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि अगर कोई टुकड़ा बाहर रह जाए तो उससे कराहने की आवाज आती है, इसलिए हर एक टुकड़े को ध्यान से इकट्ठा करके मक्खन से जोड़ा जाता है, और इस वजह से मक्खन महाराज भी कहते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि कुलूत नामक दैत्य अजगर के रूप में यहाँ रहता था और यहीं पर अपना निवास बनाना चाहता था। एक बार वो व्यास नदी के प्रवाह को रोककर बैठ गया, तो भगवान शिव नहीं चाहते थे कि लोगों का नुकसान हो, जीव जंतुओं का। इस वजह से उन्होंने उसे मार गिराया अपने त्रिशूल के प्रहार से। उसके मरते ही उसका शरीर पहाड़ में तब्दील हो गया, और कुल्लू की बिजली महादेव की घाटी, रोहतांग दर्रा और मंडी की घोघरादार उसी के शरीर से बनी है। और यहाँ पर दिसंबर से मार्च तक नहीं जाया जाता, बंद रहता है मंदिर, क्योंकि बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है। और जहाँ तक बिजली गिरने की बात है, उसके बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव ने ही इंद्र से कहा था कि हर 12 साल के बाद शिवलिंग पर बिजली गिराए, ताकि वे खुद बिजली के झटके को सहन कर सके, किसी और इंसान पर उसका प्रहार ना हो। तो ऐसे हैं बिजली महादेव।